अस्सलामुअलैकुम। आज फिर हम आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये आज हम फ्राइज बना रहे हैं और मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर से बना रही हूँ, तो मैं ये कॉर्नफ्लोर बहुत रोंगे वाली चम्मच ले रही हूँ। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर में मैं कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच। हाफ टी स्पून नमक, एक चुटकी जीरा, और एक चुटकी चाइनीज सॉल्ट। अब इसको आप मिक्स करके और हल्के हल्के पानी से घोल लें। बिल्कुल हल्का पानी यूज कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। ये देखिए, मैंने ये इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी के साथ, इसको हल कर लिया। यहाँ मैंने आलूओं को पहले ही छील कर और इस तरह गोल शेप में कट कर लिया है। और ये मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि ये हमारे बाफ के हैं। आलू तो छोटे साइज में थे, अगर बड़े साइज के हों तो आप इसको फ्रेंच फ्राइज की फॉर्म में इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाकी सारे आलूओं को इस फॉर्म में कटिंग की है क्योंकि छोटे आलू हैं। अब मैं ये आलूओं को इसमें डालकर थोड़ी देर मैरिनेट करूंगी ताकि इसका जो जूस है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करूंगी। जो ये मिक्सचर है ये बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ये पतला पतला सा होगा, हल्का पतला सा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा पतला हो। यहाँ मैंने ऑयल को कढ़ाई में डालकर गरम कर लिया है और ये मैरिनेट भी हो चुका है हमारे आलू। अब मैं इसको फ्राई करूँ। इस तरीके से आप इसको डीप फ्राई कर लें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी तलाई वाली चीज हो उसको हल्की आंच पर तलें। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फूल कर ऊपर आ रहे हैं। देखिए, ये वाला भी हमारा जो साइज है इसमें कितने फूले फूले हैं। इन फ्राइज को आप केचप के साथ एंजॉय करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।